तो गाइस कैसे हो? ठीक हो? और बजे 12, हम जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए। फिर आगे आगे आपको हमारा सफ़र बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। ओके, अब बस तैयारी कर रहे हैं। एक दिन का ही है सफ़र, लेकिन है अच्छा, बहुत अच्छा है। आपको जहाँ हम घूमेंगे, खाना खाएंगे, पिएंगे, सब आपको दिखाएंगे। ओके, कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे आगे। ओके, सो गाइस हमने कपड़े चेंज कर लिए हैं। सुना तो किया नहीं, लेकिन कपड़े चेंज कर लिए। आपको मैं दिखा देती हूँ माउंट आबू का नज़ारा कितना अच्छा है। कसम से इतना मज़ा आया, मैं आपको क्या बताऊँ। अगर आप यहाँ आना चाहोगे ना, तो वाह क्या बताऊँ आपको, कसम से बहुत मज़ा आया है, बहुत अच्छा भी लगा है। मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताना। देखो देखो, हम मतलब बादलों के बीच में, जैसे कि बादल या करें पंग में बीच में उबा, बादल मारे ऊपर नीचे बराबर है। देखो हम सबसे ऊपर आ गए, सबसे ऊपर यही है लास्ट मंदिर का दर्शन करना, सब कुछ यहाँ है लास्ट। बहुत नीचे, बहुत ऊंचे है, बहुत ऊंची बादलों में कैसा नजारा है देखो, बहुत अच्छा। माउंट आबू हेलो गाइस, हम ना वो ऊपर चोटी गए थे, अभी तक एक भैया थे वो हमें मतलब दिखाने ले गए थे। अच्छा ना, ये क्या है? करमदा क्या होता है पता नहीं, करमदा यहाँ तो खूब होता है। ये भैया दिखा रहे हैं कि ये होते हैं, ये दिखा है। कौन है और भी है हमारे साथ? ननू जी है, ये सुमन जी है। हेलो, पग दुखंड हो गया, ऊपर चल रहे थे ना इसलिए पैर दर्द तो होंगे। एक भैया है वो दिखाने हमें ले जा रहे हैं, मंदिर जाएंगे चोटी। अरे बाप रे, अरे बहुत अच्छी अच्छी। ये स्लो मोशन वीडियो
मैं वीडियो बना रही हूँ, बहुत रिस्क वाली बात है, लेकिन रिस्क हाँ जो भी सेम टू सेम रिस्क। ये मंदिर, ये लास्ट मंदिर है ना। लगाई सब बताओ कैसा लगा यहाँ आके आपको, कैसे फीलिंग हुई? बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार फीलिंग है। अगर आपको कहीं घूमने जाना है ना आप तो माओ ना जरूर, हम कहते हैं इस मौसम में आओ, अगर इस मौसम में आए तो मजा। वीडियो काट काट मो मिक्स होइन जिन ब्लॉग देखो। अरे यार हम बड़े हाल जे तेरे में नहीं हो, कम से कम आ यादगिरी तो रही और नहीं तो। हां नहीं तो क्या नाम निकाले मेन नु आसो गाइस, या चाय भी है चाय पिएंगे अब तो। बड़ा से बड़ा आ जाओ तो भाई, ठंड ठंड ही है की सब है मजे पीने के। ये देखियो माउंट आबल मजे तो भाई बाढ़ भी रही है, माउंट आबल चा पानी में फिरिम बाद हमें आओ तो हम बाद में कोई को बाओ तो भाई ठंड ठंड ही है के सब है ठंडा ठंडा मजे पीने के। ये देखियो माउंट आबल मजे तो भाई बाढ़ भी रही है, माउंट आबल चा पानी में फिरिम बाद हमें आओ तो हम बाद में कोई को बाओ। ये दुकान है, इसमें चाय बनेगी अच्छी है। हेलो फ्रेंड्स, आप कभी भी माउंट आबू आओ सो बीच में कोई भी चाय वाले मैगी वाले मिले सो प्लीज आप कहीं पे भी मत मीना, आपको डफोल बनाएंगे चूतिया बनाएंगे और आपको चाय देंगे एकदम घटिया। सो हमारे साथ हो चुका है सो मैं आपको पहले ही वार्निंग दे रही हूँ, ध्यान रखिएगा इस चीज का खास तौर का। आपको शॉप दिखा देती हूँ, शॉप है ये शॉप है, इसके अंदर कभी भी पाँव नहीं रखे। थैंक यू। सो गाइस चाय इतनी गंदी थी क्या बताए, दिमाग खराब हो गए। सो गाइस कितना अच्छा नजारा है देखो, चारों तरफ घुमा देती हूँ आपको। फाइनली एट गुरु शिखर चोटी। सो यहाँ पे क्या है, बादलों का धुंध है सो आप देख सकते हो कैसा सीन है यहाँ पे। सो ये घंटा यहाँ बोलते हैं, वहाँ गुरु जी के चरण है, वहाँ चरण स्पर्श करके ये घंटा 3 बार बजाओ तो आपकी मरिया नहीं होती, वो तो हमें नहीं पता। दर्शन कर लिए थे वहाँ, कहा था 3 घंटे बजे अपनी मनोकामना पूरी हो जाएगी। सो गाइस जब हम नीचे जाएंगे ये फोटो शूट हो रहे हैं। पहले रास्ते से आए थे अब पैदल जाएंगे। एक और मंदिर है वहां पर और दर्शन करने के लिए आ गए। सो गाइस सॉरी, अंदर वीडियो बनाना मना था इसलिए अंदर नहीं बना पाए, क्योंकि अंदर भोलेनाथ जी ने तपस्या की थी परसों वर्ष, मतलब बहुत साल वर्ष पहले, तो अब तक वो है ना मतलब धुना वो अब भी तक जलता ही रहता है, मतलब रोज जलता ही रहता है क्योंकि कभी ऐसा मतलब बन नहीं होता, जलता ही रहता है। भोलेनाथ जी से ये विनती है कि हमारी रक्षा करे, जो हम मांगना चाहते हैं वो हमें दे। सॉरी अंदर वीडियो बनाना मना था
तन मन धन से हम जानते हो भोले नाथ जी को। सोमवार का हम व्रत भी रखते हैं, तो कक्षा की वहाँ भी आज आ गई, बहुत अच्छा लगा मुझे। खरीद ले तो ये चश्मा खरीदा, और कुछ नहीं, महंगा बहुत, ये भी 180 रुपए का है, महंगी बहुत चीज है। सॉरी गाइस, हमने खरीदा नहीं क्योंकि बहुत महंगा था, लूट ले यार, पहले हो चुके खरीद लो, फिर बहुत महंगा मतलब बहुत महंगा, इतना कोई होता है 80 रुपए नीचे गाने पड़े। ये हम गाड़ी लेके आ रहे हैं, लेके आएंगे, आए थे ना, तो ये बोल रहे हैं हमें यहाँ इस स्कॉर्पियो से वीडियो बनाने हैं, तो ठीक है बनाओ, अच्छा है तो भरोसा तो नहीं कर सकते है ना किसी ऊपर। तो गाइस अब यहाँ पर वीडियो बने, अच्छे अच्छे रील्स इंस्टा पर, देखो कितना अच्छा लोकेशन है, बहुत अच्छा है, अच्छा क्या, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये घर है, यहीं रहते हैं, ये कहते हैं कि अगर बरसात आ जाए, यहाँ तो बरसात ही रहती है ज्यादातर, तो मतलब 15-15 दिन कपड़े नहीं सूखते हैं, ऐसा मौसम रहता है। और कितनी अच्छी अच्छी हरियाली है देखो, कसम से हमें तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। अगर आपको भी कहीं घूमने जाना हो तो यहाँ ज़रूर आना, और जगह तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ज़रूर ज़रूर ना। ये नज़दीक देखो घर कितने अच्छे अच्छे पहाड़ों में, और रहने का क्या ये यहाँ कपड़े सुखाते हैं, कितना नज़ारा होगा वो तो आपको मतलब पता ही चल गया होगा, कितना अच्छा लग रहे हैं वो वीडियो बना रहे हैं, मैं भी बहुत बहुत अच्छा लगा है। और मैं कुछ आपको दिखाती हूँ, ये घर आंटी जी बैठे, ये नन्नू और रिया रील्स बना रही है, देखो ये पहाड़ों में ही है ऐसे घर, और ये तो लकड़ियाँ हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा ही है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ। अगर पहाड़ियों में रहने का मन करे तो क्या सुनाऊँ आपको, सच में ऐसा मन करता है कि यहीं रह जाए, यहाँ पर तो ऐसा मन करता है जैसे कि यहीं रह जाए, कितना अच्छा अच्छा खुला खुला, देखो कितना अच्छा लग रहा है। सुनो आपको यहाँ आकर कैसी फीलिंग आई बताओ, बहुत ही अच्छी शानदार लोकेशन, तो देखो यार मजा आ जाएगा, ये देखो सुकून मिलता है, सुकून, जन्नत है जन्नत, और ये जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं ना, इनकी क्या लाइफ होगी, वाह यार मजा आ गया इनको। अगर यहाँ हम रहते तो क्या सुनाए आपको, बहुत अच्छा है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और आगे ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो यहाँ घूमने के लिए आए उनको भी पता चले मतलब कैसा नज़ारा है और कैसा लगता है यहाँ, कैसा मौसम है ऐसा। अब अगर सावन का महीने में आए तो बहुत ही अच्छा लगता है, हमें तो बहुत अच्छा लगा, और तो मुझे पता नहीं है, और आज क्या डेट हो गई वो भी मैं आपको देख के बताती हूँ, आज 21 तारीख है, शायद 21 है, हाँ 21 है, हमें तो बहुत अच्छा लगा। अगर कहीं भी जाओ लेकिन यहाँ घूमने ज़रूर आना, अगर आप फैमिली के साथ में आओ तो अलग ही, अगर अकेले आओ, हनीमून पर आओ, कहीं भी आओ, यहाँ आना बहुत अच्छा लगेगा। ये देखो ये यूट्यूब बनाने में कैसा मतलब कैसा आनंद होगा वो तो आप मतलब वीडियो देख के भी आपको पता चल गया होगा कि मतलब कैसा लग रहा है कैसा नहीं,
हमें तो बहुत अच्छा लगा और मैं कुछ कह नहीं सकती। सो गाइस अब हम खाना खाने जा रहे हैं, घूम के आ गए वापस, और आगे कहाँ जाएंगे वो आगे व्लॉग में आपको पता चलेगा। गाइस नन्नू का फेवरेट बिस्किट। घर जाएंगे आगे क्या होता है आपको दिखाते हैं। खाना खाने आए थे वो होटल है। दोस्तों तो गुड मॉर्निंग, हम रात को आए थे करीब 1-2 बजे आए थे घर पर, तो बीच में मैंने व्लॉग बनाया नहीं। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हम किसी के घर गए थे, वहाँ पर मैं एक फ़ोटो डाल दूँगी आपको। वहाँ पर व्लॉग बनाना हाँ था या ना था वो पता नहीं, लेकिन मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैंने सोचा क्या पता मना कर दे तो, इसलिए मैंने बनाया नहीं। और फिर शाम हो गई, शाम को बना नहीं सकते आप भी पता है कैसे बनाई, कुछ दिखता तो है नहीं। और फिर घर आ गए, आज आपको दिख रहा है मेरे आँखें सूजी हुई है, नींद आ रही है, सोऊंगी। अब खाना बनाना है, खाना बनाकर सब काम करके बाद में सोऊंगी। जब तक बाय। अब आगे व्लॉग कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा वो हमें भी पता नहीं है, जैसा आएगा तो हम जा जाएंगे वहाँ आपको शेयर कर देंगे वीडियो। थैंक यू सो मच।